भोपाल में रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय ने फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की पुस्तक लाल बहादुर शास्त्री मृत्यु या हत्या का विमोचन किया। इस मौके पर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के साथ रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति संतोष चौबे मौजूद रहे। किताब को लेकर विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि देश को नहीं पता है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु दो बार हुई है। इस दौरान उन्होंने अपने विचार भी रखे। फिल्म निर्माता निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री की लिखी हुई हु किल्ड शास्त्री के हिंदी अनुवाद लाल बहादुर शास्त्री मृत्यु या हत्या पुस्तक का भव्य विमोचन हुआ। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग बतौर मुख्य अतिथि और रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति संतोष चौबे बतौर अध्यक्ष उपस्थित रहे। इस दौरान विश्वास सारंग ने संबोधित करते हुए कहा कि विवेक रंजन अग्निहोत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने तथ्यों को सामने लाने का अथक प्रयास किया है। कार्यक्रम में आईसेक्ट के निदेशक सिद्धार्थ चतुर्वेदी, रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश पेठिया सहित शहर के गणमान्य नागरिक और विद्यार्थी उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।